सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपके साथ में यार ये जरूर हुआ होगा कि आप कोई बेसिक सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में और वहां पे आप उसको करते हैं, जैसे ही इंस्टॉल आप देखते हैं कि चार नए सॉफ्टवेयर्स अपने आप ही प्रकट हो गए हैं, या फिर दोस्तों आपके पास में कोई नया फोन है ब्रांड न्यू, बॉक्स से बाहर निकाला किया फोन को ऑन, तो वहां पे भैया 50 तरह की ऐसी एप्स पहले से प्री इंस्टॉल्ड हैं जिनके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है। तो यहां पर दोस्तों आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्लोटवेयर और क्रैपवेयर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार मतलब हम ना ऐप्स या फिर सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल फोन्स में, जो जो जब जब हमको जैसे जैसे काम का लगता है हम उसको इंस्टॉल करते हैं, बाद में यूज़ भी करते हैं, लेकिन उन सॉफ्टवेयर्स का क्या जो ज़बरदस्ती हमारे कंप्यूटर में अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं, या फिर दोस्तों वो चाहे हों सिंपल से प्लगइन्स आपके ब्राउज़र के लिए जहाँ पे बुकमार्क्स वाली जो बार है वो आ जाती है, तरह तरह की नई नई बार्स आ जाती हैं, शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाते हैं, आपके ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन है वो चेंज हो जाता है, या फिर अगर आप एक नया फोन खरीदते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे तरह तरह के गेम्स आ जाते हैं, कई बार तरह तरह की ऐसी एप्स होती हैं जिनके बारे में आपको कोई आइडिया भी नहीं है, आप शायद उनको कभी भी अपनी तरफ से इंस्टॉल ना करो। दोस्तों यहां पे हमसे बात करता हूं फिलहाल ब्लोटवेयर और क्रैपवेयर की। तो देखो क्रैपवेयर तो ना वो चीज हो गई जो किसी काम की है ही नहीं, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ काम कर ही नहीं रहा, वो बस आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको भटका रहा है बिना बात। फिर दोस्तों चाहे यहां पे सिंपल सा अगर आपका होम पेज है बाय डिफॉल्ट भी आप गूगल यूज करते हो, वो अगर चेंज होता है किसी एक्सपेजेड वेबसाइट के अंदर, पता नहीं क्यों जैसे आपने ब्राउजर खोला हर बार भैया वही पेज खुलेगा, या फिर आपके ब्राउजर में ऊपर एक अलग से जो है वो नई बार ऐड हो गई है जहां पे कुछ टेढ़े मेढ़े शॉर्टकट से आ गए हैं, तो ये दोस्तों वो क्रैपवेयर एप्लीकेशंस हैं जो प्लगइन्स के तौर पे एक्स्ट्रा इंस्टॉल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कई बार किसी एक बेसिक एंटीवायरस को इंस्टॉल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, क्योंकि हमको जल्दी होती है इंस्टॉलेशन की, दोस्तों वहीं पे बीच में एक स्टेप निकल के आता है कि इसको भी इंस्टॉल कर लो, इसको भी इंस्टॉल कर लो, इसको भी इंस्टॉल कर लो, मतलब भैया ये आप जो है वो जबरदस्ती ले लो, हम उसको कर देते हैं नेक्स्ट। दोस्तों वो जो सिस्टम है वो अपने कंप्यूटर में आ जाता है, उसके बाद में आप होते हैं परेशान कि यार ये क्यों ऐसा हो गया, क्यों सारे पॉपअप्स जो है तरह की विंडोज जो है वो खुल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो ब्लोटवेयर है वो सिस्टम है जो प्री इंस्टॉल्ड आया है पहले से आपके ब्रांड न्यू सिस्टम में, कि आपने एक लैपटॉप लिया वहां पे एक एंटीवायरस का ट्रायल वर्जन प्री इंस्टॉल्ड आ गया, आपने फोन लिया यहां पे फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न की ऐप प्री इंस्टॉल्ड आ गई, यहां पे इस तरह का कोई गेम जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आ गया। तो यहां पर दोस्तों इनको हम कहते हैं ब्लोटवेयर। और अगर मैं बात करता हूं मोबाइल फोन्स की तो आप रिलेट करेंगे कि सैमसंग ये काम पहले बहुत ज्यादा किया करता था, एस वॉइस, एस हेल्थ, एस ये, एस वो, मतलब पता नहीं कितने सारे तरह तरह की एप्स। और आज की डेट में फॉर एग्जांपल चाहे वो शाओमी का फोन हो, चाहे वो वावे का फोन हो, या वो ओप्पो या वीवो का फोन हो, तो यहां पे आपको तरह तरह की ऐसी बहुत सारी एप्स मिल जाती हैं जो आपके किसी काम में शायद आती भी नहीं है, वो जबरदस्ती जो है वो आपके फोन की मेमोरी को और मतलब बस भैया ऐसी जो है वो चूस रही है आपके फोन के खून को, तो इनको हम कहते हैं ब्लोटवेयर, जिनकी हमको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जबरदस्ती हमको इनके साथ में जीना पड़ता है। अब यहां पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों, मतलब क्यों ऐसा जो एप्लीकेशंस हैं वो प्री इंस्टॉल्ड हमारे फोन में आए या फिर कंप्यूटर में, भैया कई बार ट्रायल वर्जन आते हैं गेम वगैरह के, एंटीवायरस वगैरह के। तो यहां पर दोस्तों जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो है मार्केटिंग का, जो ब्रांड्स हैं उनको पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर एक शाओमी फोन बनाता है और वहां पर फ्लिपकार्ट की ऐप जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आ रही है, तो फ्लिपकार्ट शाओमी को पैसा दे रहा है कि आप इस फोन में इस ऐप को प्री इंस्टॉल करके छोड़ दो मार्केट में, ताकि जो यूजर है जो इतना टेक सेवी नहीं है, जिसको इतना आइडिया नहीं है, वो क्या पता इसको एक बार यूज करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज उसको कोई और तो ऑप्शन मिला नहीं, वो क्या पता फ्लिपकार्ट को ही बाद में यूज करना स्टार्ट कर दे, या फिर दोस्तों मान लीजिए कोई गेम है तो वो ट्रायल वर्जन सा गेम है, उसके बाद में वहां पे भैया आपको पैसे देने पड़ेंगे आपको पूरा वेरिएंट खरीदने के लिए, या फिर मान लीजिए कि आपको एक एंटीवायरस ऐप आ गई है कंप्यूटर में, आपने उसको यूज किया मजे मजे में कि हां भैया एंटीवायरस है बढ़िया है साथ में आया है, लेकिन 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद हो गया एक्सपायर, बाद में करो पैसा पे और उसके बाद में यूज करते रहो, क्योंकि आपको किसी और के बारे में मालूम ही नहीं है, क्योंकि आपने शुरुआत से उसी को यूज किया है। तो यहां पर दोस्तों ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ब्लोटवेयर का और क्रैपवेयर का। तो अगर आप आगे कभी भी किसी सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करते हैं, फिर चाहे वो फ्री हो या पेड हो, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते टाइम थोड़ा बहुत एक बार नजर मार के देख लिया करो कि वो वहां पे क्या बोल रहा है, कहीं वो एक्स्ट्रा चार नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए तो नहीं बोल रहा है, आप कर देते हो यस और वो हो जाते हैं साथ में इंस्टॉल, या फिर अगर आपके पास में एक ब्रांड न्यू फोन आया है तो आप अपनी सभी एप्स को
बार देख लो और देखो कि कौन सी आपके काम की नहीं है और क्या आप उसको अनइंस्टॉल या फिर डिसेबल कर सकते हो क्या, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपकी जो बैटरी है, जो परफॉर्मेंस है फोन की, वो थोड़ी सी और इंप्रूव हो जाएगी। मेमोरी भी अगर आप डिलीट कर दो थोड़ी सी क्लियर हो ही जाएगी, वरना आप जो है वो बोझ लादे घूमे रहोगे इन्हीं सारे ब्लोटवेयर तरह तरह की एप्स का। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ब्लोटवेयर या फिर क्रैपवेयर के बारे में पसंद आई होगी। अगर आपको सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।